डीडीए एसएफएस सोसाइटी में रहते हैं, तो इसमें क्या होता है ना कि डीडीए और सीजीएचएस में दोनों में एक फ़र्क है कि डीडीए में काफ़ी चीज़ें हमें सरकार से चाहिए होती हैं। जैसे सपोजिंग अगर मेरा बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल को थोड़ा सा ऊंचा भी करना है तो मैं देखता हूँ सरकार की तरफ, तो उसमें कभी ड्रेन्स जैम हो गए तो भी मैं सरकार की तरफ देखता हूँ। तो काफ़ी कुछ गवर्नमेंट मशीनरी पे डिपेंडेंट है, तो उसमें ये होता है कि अगर वो प्रोएक्टिव नहीं है या अगर वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो मेरे यहाँ दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो मेरा ये यही रहता है, आशा ये रहता है कि अगर वो जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो यहाँ इस पॉकेट में रहने वाले लोगों की दुविधाएं कम हो जाएंगी। चाहे वाटर सप्लाई है तो भी हम उन पर डिपेंड हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ अपना नहीं है, सारा कुछ सरकार का दिया हुआ है। तो छोटे छोटे सी चीज़ों के लिए भी उनका मुंह देखना पड़ता है, क्योंकि बना ही ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इसी तरह मेंटेन होते हैं जो डीडीए हाउसेज हैं खासकर, तो उनमें ये रहता है। हम तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटा छोटा सा हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप सीजीएचएस में जाएंगे तो आपको 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 1,500 रुपये मेंटेनेंस मिलेगा। अगर मैं डीडीए में रहता हूँ तो मात्र 300-350 रुपये मेंटेनेंस लेता हूँ। तो जहाँ पर सॉल्यूशन हो पाता है उस पैसे में वो कर लेते हैं। जैसे हमने क्या है, गार्ड बिठा दिए हैं हमने और एक गेट बना दिए हैं, गार्ड रूम नहीं दिए हुए थे सरकार ने, वो भी हमने कंस्ट्रक्ट करवा दिए हैं। क्योंकि पुराने डीडीए हाउसेज में गार्ड रूम भी नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं थे, हमने कंस्ट्रक्ट करवा दिए हैं। ड्रिंकिंग वाटर हमने अवेलेबल करवा दिया है गेट पे सभी के लिए, हैंड वॉश के लिए हमने बाहर वॉश बेसिन बना दिए हैं। और यहाँ तक कि क्या होता है ना कि डीडीए हाउसेज में स्टेयर केस में लाइट भी नहीं होती है, वो भी लड़ के हमने एक कनेक्शन करवा लिए। हमने सरकार से लड़ के हर एक स्टेयर केस में एक एक कनेक्शन करवाया, एक लीगल कनेक्शन ले लिए। तो उसके लिए भी हमारी लड़ाई 12 साल चली, एंड में हमने कोर्ट का इंटरवेंशन के थ्रू हमने ये फैसिलिटी लिया। तो ये तो आरडब्ल्यू ने किया है, मतलब सभी लोगों ने, मेरे सिवा क्या है, सभी लोग जो भी रहे आरडब्ल्यू में, जितने लोग भी रहे, सभी ने कुछ कुछ ऐड किया, ग्रीनरी करवाई। अभी ये कह लीजिए कि एक काफ़ी ग्रीन सोसाइटी है हमारी, कि वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कह सकते हैं। लोकेशनली भी हम ग्रीन एम्बियंस में हैं, और वैसे भी हम लोगों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है और डिसिप्लिन रखा हुआ है। डिसिप्लिन क्या है कि जैसा पानी नहीं आता अपने आप बूस्टर पंप के बिना, और बहुत सारी डीडीए सोसाइटी हैं उनमें ग्राउंड फ्लोर पे टैंक्स लगे हुए हैं, टैंक्स के आसपास जितना अनहाइजेनिक हो जाता है चीज़ें, और हमने यहाँ पे डिसिप्लिन रख के नहीं होने दिया, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होने दिया, क्योंकि उसके लिए आरडब्ल्यू लड़ी और वो आज तक नहीं है, प्रथा सेट हो गई है। क्योंकि 20-22 साल में लोगों को आदत पड़ जाती है, जैसा आप जीते हैं वैसा ही जीते रहते हैं हमेशा। तो वो आरडब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन है, सभी आरडब्ल्यूज का जो भी आए इन 22-23 सालों। तीन साल में वही हमने कहा कि बहुत पुराना पेंडिंग काम था, कि हमारे किसी स्टेयर केस में लीगल लाइट्स नहीं थी, 18 स्टेयर केस हैं तो 18 कनेक्शन हमने करवाए। और छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया, गेट पे हमने कूलर लगवा रखा है, वाटर कूलर, क्योंकि आप देखिए कि 200-300 रुपये आप जब मेंटेनेंस लेते हैं तो आपके पास होता कितना पैसा है। कूलर लगाने पर भी हमारा 70,000 रुपये खर्च हो गया, कूलर और विद वाटर फिल्टर, उसी में से लगवाया है हमने, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया। और ये कनेक्शंस के लिए भी हमने पैसा बचा के कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, उसी में से लगवा डाले। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो एक स्वयंसेवक की तरह होते हैं, बिकॉज उनमें थोड़ा सा एक मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन, तभी वो लोग काम करते हैं डीडीए में आके। बाकी समाज में हो सकता है आपको पैसा नज़र आता हो, यहाँ पे तो कोई पैसा भी नहीं है आप जिसके लिए करेंगे, तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा आप ही में इनिशिएटिव चाहिए, या कहीं ना कहीं आप में मोटिवेशन चाहिए कुछ करने के लिए। तो जो कुछ भी आते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे सेवा भी जो लोग आते हैं तो आई अप्रिशिएट देम ऑल्सो, कि हाँ वो आ रहे हैं डीडीए में, आरडब्ल्यूए में, बहुत बड़ी बात है। तो ज़्यादा लोग आए मेरा तो यही है। अथॉरिटी से तो सपोर्ट एक्चुअली लेना पड़ता है, आप उसको जैसे भी सोचिए, आप पहले प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको कोई जगह पे जाना है। अगर आप सोचेंगे आप 10 दिन में पहुँचेंगे और आप 8 दिन में पहुंच जाते हैं, आपको अचीवमेंट लगता है। तो यू लुक एट, सो मेरा वही रहता है, मैं पहले ही लेता हूँ कि हाँ अरे भाई थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल आएगी, तो जनरली उससे कम मुश्किल आती है, तो ठीक रहता है, मोटिवेटेड भी रहते हैं, काम कर भी लेते हैं। बट हमें अपनी डिफॉर्मिटी पता है ना, हम यहाँ रह रहे हैं, हमें ऐसे जीना है, लेकिन फिर भी हम काम करवा लेते हैं, हम उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो, इट्स गुड।
कल्चरल एक्टिविटी एक तो हमारे यहाँ मिलजुल के जागरण हो जाता है, जागरण में हम सब लोग मिलके उसके बाद मिलके खाना खाते हैं, नीचे बैठ के पत्तल में खाना खाते हैं, तो मतलब एक तरीके से कि वेस्ट नहीं जनरेट हो उसी तरह हम खाना खाते हैं, वो हम काफ़ी सालों से खाना खाते आ रहे हैं सभी लोग मिलके। हम जब आए यहाँ से तो 17-18 साल पहले हम सभी लोगों ने ये शुरू किया कि हम लोग मिलके खाना क्यों ना बनाए गरीब बच्चों के लिए, तो ऐसे ही सभी लोग मिले, सभी लोग ने मिलके शुरू किया खाना बनाना, तो वो आज तक चल रहा है। 17 साल से हम हर कुछ घर के लोग मिलते हैं गरीब बच्चों के लिए, मिलके खाना बनाते हैं 17 साल से, हर मंगलवार को हम खाना बना रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा मॉडल है, वो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी एमुलेट करें। ये होता कैसे है मैं बताता हूँ। इसमें हमारे क्या है कि एक भी पैसा नहीं लिया हमने पिछले काफ़ी सालों से। इसमें हमारे पार्टनर्स हैं सारे लोग, जो भी पार्टनर हैं वो 1 किलो आलू उबाल के छील के देता है, और 2 घर ऐसे हैं जो कि टमाटर 1 किलो उबाल के देते हैं, तो इससे हमारी सब्जी बन जाती है। हम 7 किलो आटा मलते हैं, उससे कम से कम नहीं 300 पूड़ी बन जाती हैं। तो 2 पूड़ी एक बच्चा खाता है, एक डोने में आलू का सब्जी बना के दिया और पूड़ी दिया, ये सारा काम अराउंड 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में वाइंड अप हो जाता है। हम शाम को ट्यूसडे को मिलते हैं, सभी बर्तन भी हमने खरीदे हुए हैं, तो मिलके काम करते हैं, खुद ही चले आ रहा है। मतलब 17 साल आई थिंक, मतलब काफ़ी अच्छा टाइम है 17 साल, तो करे जा रहे हैं हम। हाँ, ये होली दिवाली जितने भी फंक्शन हैं हम वो सेलिब्रेट करते हैं यहाँ से मिलके, जितने मतलब होली पे गुजिया हो गया, खाना हो गया, दिवाली पे कुछ बच्चों का डांस हो गया, जैसे लाइक शिवरात्रि है हमारे अंदर ही मंदिर है, हम वहाँ पर पूजा कर लेते हैं, जन्माष्टमी बच्चे लोग मिलके मनाते हैं। दशहरे में क्या होता है कि बच्चे लोग घर घर जाके अपना पैसा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, रावण ले आए बना लिया, तो सभी का लोगों का इनिशिएटिव ज़्यादा रहता है रादर देन RWA, क्योंकि वो लोगों के इनिशिएटिव से ही सारा काम होता है। लेडीज़ मिलके कीर्तन कर लेती हैं, जैसे अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो लेडीज़ इकट्ठा हुआ, उन्होंने कीर्तन कर लिया, तो वो एक्चुअली जितने इनिशिएटिव है कहीं पे भी RWA नहीं लेता है, लोग ही लेते हैं, तो अगर लोग इनिशिएटिव लेंगे तो RWA सपोर्ट कर सकता है।